Hey guys, welcome back to my channel, and in today's video we are going to study acids, bases and salts. तो भाई पढ़ना क्या है तुम लोगों को इस चैप्टर में? एसिड बेस के बारे में पढ़ना है ऑब्वियसली, उसकी किस तरह वो रिएक्ट करते हैं ये जानने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इसी कारण एसिड बेस को हम पहले डालेंगे मेटल में, फिर मेटल कार्बोनेट में, ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो पानी में डालेंगे, फिर सिमिलैरिटी देखेंगे एसिड बेस की, इससे हमें स्ट्रांगनेस पता चलेगी क्या कौन सा स्ट्रांग होता है एसिड या बेस, फिर एंड में हमारे नमक से यानी NaCl से कुछ केमिकल्स बनाना सीखेंगे. सो दिस इज़ ऑल विच वी आर गोइंग टू डू इन दिस चैप्टर. ये मैंने शॉर्ट में बता दिया, वैसे और डीप में तो बहुत कुछ है. ठीक है, तो चलो जी इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं तुम्हारे इस चैप्टर की. अच्छा, तुम्हें ये तो पता ही होगा कि एसिड्स जो हैं वो सार होते हैं टेस्ट में, और बेसिस बिटर होते हैं. बिटर यानी कि कड़वे होते हैं. हाँ, ये तुम्हें कुछ नई बात नहीं है इसमें, ये तुम्हें बचपन से ही बताया जाता है. तो तुम्हें ये भी पता होगा कि इनको टेस्ट करने के लिए हम इन्हें टेस्ट नहीं कर सकते, मतलब सभी एसिड्स को हम टेस्ट नहीं कर सकते ना, इसलिए हम नेचुरल इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं. जैसे कि लिटमस हो गया तुम्हारा, लिटमस पेपर, लिटमस एक नाम की चीज़ होती है, पर्पल डाई होता है जो लिचन प्लांट से निकाला जाता है. इसके अलावा कुछ और नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे तुम्हें दिख रहा है ट्यूमरिक, कैबेज, और कुछ फ्लावर्स के पेटल्स भी नेचुरल इंडिकेटर की तरह हमारे लिए काम करती हैं. अच्छा, एक ज़रूरी बात मैं यहाँ बता दूँ कि तुम्हारे NCERT में ना लिटमस पेपर के ऊपर बहुत बड़ा सा येलो कलर का पैराग्राफ दे रखा है, वो पूरा पैराग्राफ याद करने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, ये जस्ट इतना याद रखना, पर्पल डाई, लिचन प्लांट, बस बहुत है. अच्छा, इसके अलावा भी इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि फिनोल्फिथिलीन सॉल्यूशन और मिथाइलोरेन सॉल्यूशन. ये जैसे कि टेबल में देख ही सकते हो आप, एसिड की प्रेजेंस में फिनोल्फिथिलीन में कलरलेस हो जाता है फिनोल्फिथिलीन सॉल्यूशन, और बेस की प्रेजेंस में पिंक. ऐसे ही मिथाइलोरेन भी कुछ कुछ कलर शो करता है एसिड बेस की प्रेजेंस में. ये कुछ और सिंथेटिक मतलब केमिकल सॉल्यूशन है जो एसिड बेस की प्रेजेंस बताते हैं. इसके अलावा होते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जो अपनी स्मेल चेंज कर दें. ये सबसे अलग ही है भाई, ये स्मेल चेंज कर दें, कलर चेंज नहीं करते. एग्जांपल के लिए ले लो तुम्हारा प्याज यानी ओनियन. ओनियन क्या करता है, एसिड के प्रेजेंस में उसकी स्मेल रहती है, प्रेजेंट रहती है, और बेस की प्रेजेंस में डिसअपियर हो जाती है. तो फाइनली अब तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इसकी रिएक्टिविटी टेस्ट करने के लिए हमने सबसे पहले एसिड बेस को डाल दिया है मेटल में, एसिड प्लस मेटल. एसिड हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड, मेटल लिया है जिंक. जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, जो मैं जानती हूँ आपको डायग्राम देखो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा, बट समझने की कोशिश करो. टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रेन्यूल था, जिंक ग्रेन्यूल के ऊपर एसिड डाल दिया. ठीक है, उसके बाद कुछ गैस निकली, कुछ बबल्स निकले. उस बबल्स को हमें जाने नहीं देना है बाहर, उसे पाइप के थ्रू ना सोप सॉल्यूशन के थ्रू पास करवाना है. अब वो क्यों पास करवाना है, क्या है, ये सब कुछ बाद में ऊपर समझ में आ जाएगा. सिर्फ कंसेप्ट को समझो, रिएक्शन को मत समझो, रिएक्शन में क्या हुआ वो भी नहीं. ठीक है, ये बबल्स निकले सोप सॉल्यूशन से बाहर ट्रैप होके. जैसे ही बबल्स निकलेंगे ना, हम बबल्स के सामने कैंडल, एक बर्निंग कैंडल ला देंगे, फिर वो बबल्स बर्न होंगे विद अ पॉप साउंड. ये निशानी होती है तुम्हारी हाइड्रोजन गैस की. इससे हमें पता चला कि जो गैस निकली थी वो हाइड्रोजन गैस थी. ये अपने दिलो दिमाग में बिठा लो कि कौन सी गैस किस तरह टेस्ट करी जाती है. पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस की होती है, ये चीज़ पूछी भी जा सकती है. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे याद रखने वाली, कि हाइड्रोजन गैस किस तरह हम टेस्ट कर सकते हैं, किस तरह हम पहचान सकते हैं. अलग से भी पूछा जा सकता है और वैसे भी पता होना ही चाहिए. ठीक है, और इसके अलावा भी अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो बुक के बीच बीच में से या लाइन में से पूछे जाने वाले जानने हैं, तो मेरा नोट्स मेकिंग वीडियो ज़रूर से देख लेना एक बार. ठीक है, अभी इस रिएक्शन पर थोड़ा गौर फरमाते हैं हम लोग. जो हुआ था सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम लोगों की, कि प्रोडक्ट्स किस तरह पहचाने भाई. तो देखो, प्रोडक्ट्स पहचानना सिखा रही हूँ. जिंक को हमने डाला H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड में. तो यार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो याद ही होगा ना तुम्हें. तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है जो हाईली रिएक्टिव होता है. यहाँ पे भी तो दो ही है मेटल्स, जिंक और हाइड्रोजन. जिंक ऊपर है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसको डिस्प्लेस कर देगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, H2SO4 हट जाएगा. और जिन्हें बात समझ नहीं आ रही वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला वीडियो ज़रूर देख ले एक बार, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. ठीक है, अच्छा तो एक और ज़रूरी बात, ये जो सॉल्ट, सॉल्ट मैं कह रही हूँ ना, इसे सॉल्ट मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस कंपाउंड को सॉल्ट ही बोलते हैं, सच में नमक नहीं है ये. ठीक है, जो भी रिमेनिंग पार्ट से कंपाउंड फॉर्म होता है उसे ही सॉल्ट बोलते हैं. एसिड को मेटल में डाल दिया तो अब बेस को भी मेटल में डाल देंगे. ये जो रिएक्शन होगा ना यार, का कोई लॉजिक नहीं है, इसको आप रटा मारना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली. ठीक है, और ऐसे वाले रिएक्शन ना सभी मेटल के साथ नहीं होते हैं, तो फिर चांसेस हैं कि तुम्हारे एग्जाम में भी सिर्फ यही रिएक्शन पूछा जाए, किसी और मेटल के साथ सेम बेस बेस वाला रिएक्शन ना पूछा जाए. तो ठीक है, इस वाले रिएक्शन को आपको याद करना पड़ेगा इस चैप्टर में. ठीक है, इसमें कोई लॉजिक मैं नहीं बता रही, ना 10th के लेवल पर है अभी.
तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एसिड बेस को मेटल में डाला तो क्या हुआ, अब एसिड बेस को हम मेटल कार्बोनेट में डालेंगे और एसिड और बेस दोनों को हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में डालेंगे। क्यों डाल रहे हैं हम ये सारे रिएक्शन क्यों कर रहे हैं भाई, उनकी रिएक्टिविटी देखने के लिए हम जानना चाहते हैं एसिड या बेस में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है या किस तरह ये वर्क करते हैं, किस तरह कितने रिएक्टिव हैं ये, कितने अच्छे केमिकल्स हैं, किस तरह हम इन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट इसीलिए हम ये सारे रिएक्शंस कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग अलग अलग चीज़ों में इसको डाल के चेक कर रहे हैं कि अच्छा कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है और किस तरह रिएक्ट करते हैं ये लोग, क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। सो करते हैं, अब एसिड को हम डाल रहे हैं मेटल कार्बोनेट में, क्या फॉर्म हो रहा है, NaCl H2O + CO2। दूसरी भाषा में बोलूँ तो NaCl सॉल्ट, H2O मतलब वाटर, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली मैंने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, कुछ नहीं हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3 लगा दो आगे मेटल के, उसको एसिड में डाला तो सेम प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो इसका मतलब मेटल कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट, CO3 हो या HCO3 हो, दोनों के साथ सेम प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। अब क्या करना है हमें, हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे जो गैस निकली वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे हमने हाइड्रोजन को टेस्ट किया वैसे इसको भी टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्ट करेंगे, एक लौता तरीका है हमारे पास, लाइम वाटर के थ्रू गैस को पास करवा दो। हमने पास करवाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन को लाइम वाटर कहते हैं बाय द वे, पास करवाएंगे तो फिर मिल्की हो जाएगा वो सॉल्यूशन, मिल्की मतलब वाइट कलर का हो जाएगा प्रॉपर पूरा का पूरा। तो ये इंडिकेशन होता है कि ये जो गैस पास हुई है या जो रिलीज हुई है इन द रिएक्शन वो कार्बन डाइऑक्साइड है। बट अगर हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे ना तो फिर वो मिल्की सॉल्यूशन वापस से सॉल्यूबल हो जाएगा और ट्रांसपेरेंट कलर देगा, पानी वाला कलर देगा। क्यों, क्योंकि एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करने के बाद एक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है वाटर में, डैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो पहले फॉर्म हुआ था जिसकी वजह से वाइट कलर आया था, डैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट वाइट प्रेसिपिटेट। वाइट प्रेसिपिटेट धीरे धीरे गायब हो जाएगा अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो। अगेन इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ठीक से इसको भी रिएक्शन को देख लेना। अब एसिड और बेस का आमना सामना मुकाबला, एसिड और बेस का साथ में हम लोग रिएक्शन करवा देंगे कि आपस में रिएक्शन करने के बाद क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं ये जानने के लिए। तो हमने बेस लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl और उसके बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है डैट इज़ NaCl और वाटर। तो क्या फॉर्म हुआ, सॉल्ट और वाटर, दूसरी भाषा में बोले तो। अभी आप लोग प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के बारे में ज़्यादा मत सोचना कि NaOH एसिड है या बेस है या हमें कैसे पता चला, ये सब तुम्हें चैप्टर के एंड में समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड में एसिड डालेंगे। क्यों भाई, अभी तो हम लोग एसिड बेस का रिएक्शन कर रहे हैं, अभी सुनो तो सही, पूरी बात समझ में आ जाएगी। मेटल ऑक्साइड यानी कि मेटल का ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड ले लिया मैंने, कॉपर ऑक्साइड, उसको एसिड में डाला, कॉपर क्लोराइड और हाइड्रोजन, सॉरी वाटर फॉर्म होगा यहाँ पे, वाटर फॉर्म हो गया, ठीक है, कॉपर क्लोराइड एंड वाटर मतलब सॉल्ट और एक वाटर। सॉल्ट मतलब पता चल गया ना, रिमेनिंग पार्ट से जो भी कंपाउंड फॉर्म होता है वो सॉल्ट होता है, नमक नहीं जो तुम घर में यूज़ करते हो वो नमक नहीं है, इसका मतलब मतलब सॉल्ट कोई कंपाउंड, ठीक है। तो ये वाला जो रिएक्शन है इसको ज़रा ध्यान से वापस देखो, एसिड बेस वाले रिएक्शन के साथ में कंपेयर करते हुए। तो एसिड बेस वाले रिएक्शन में भी क्या हुआ था, मेटल ऑक्साइड वाले रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो, राइट। तो मैंने इसको दूसरे उसमें लिख दिया, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो बेस और एसिड भी तो सॉल्ट और वाटर दे रहा था, इसका मतलब क्या हुआ, इसको कंपेयर करते हैं ना, चलो मैथ्स वाले इक्वेशन को वैसे इसको कंपेयर करो, इसका मतलब एसिड का एसिड, सॉल्ट का सॉल्ट, सॉल्ट वाटर का वाटर। मेटल ऑक्साइड क्या है, बेस, मतलब बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है तभी तो सेम प्रोडक्ट दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, बेस होते हैं। तो फिर अब कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि इसका मतलब सारे मेटल ऑक्साइड बेसिस होते हैं, है ना जी, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी गलती मत करना, ऐसा मत समझना। ये बेसिक होते हैं नेचर में, मतलब इनका नेचर बेसिक होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में पूरे प्रॉपर बेसिस होते हैं, नहीं। मेटल ऑक्साइड ही है बट ये रिएक्ट करते टाइम बेसिस की तरह रिएक्ट करते हैं, ओके, ये प्रॉपर बेसिस नहीं होते, हम इन्हें प्रॉपर बेसिस नहीं कह सकते, ये मेटल ऑक्साइड ही है। सिमिलर रिएक्शन हमने नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ भी किया, ये पता करने के लिए उनका नेचर क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है। ऑब्वियसली अगर थोड़ा सा तिगड़म तुम लगाओ, अगर मेटल ऑक्साइड बेसिक निकला है तो नॉन मेटल ऑक्साइड ऑब्वियसली एसिडिक ही निकलेगा ना, उसका उल्टा ऑपोजिट ऑपोजिट। तो ये हमने लिया बेस एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नॉन मेटल का ऑक्साइड ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, एक सॉल्ट और वाटर अगेन से फॉर्म हुआ, अगेन हम इसे बेस और एसिड वाले रिएक्शन के साथ कंपेयर करेंगे वो वाली इक्वेशन को, तो हमें पता चलेगा कि नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में।
अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि नॉन मेटल ऑक्साइड को हमने सिर्फ बेस के साथ ही क्यों रिएक्ट करवाया, एसिड के साथ क्यों नहीं करवाया, क्योंकि गधों एसिड और एसिड गिव्स नो रिएक्शन, बेस प्लस बेस गिव्स नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए हमने नहीं करा। ना एनसीईआरटी आगे तुम्हें कुछ बताती है इसके बारे में, क्योंकि थोड़ी कॉमन सेंस है। ठीक है, बेस प्लस एसिड देखो बन गया ना, सॉल्ट प्लस वाटर, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर, फाइनली हमें पता चल गया ये। ठीक है, सो आई होप सो दिस इज enough for today. That's all for today, guys. Goodbye.